हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जैतपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो बद्दी से आए हैं। हाँ जी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा ये यहाँ से कमर से लेके कुल्ले से लेके पूरा पैर दुखता था, दुख रहा था। कब से हो रही थी ये? 1.5 महीना हो गया। नाम क्या आपका? संजय दास, मैं उड़ीसा से हूँ, यहाँ बद्दी में जॉब करता हूँ। किस टाइप का, मतलब आपका काम वगैरह था यहाँ पे? जैसे काम तो मैम अभी ऐसे कुछ मेरा ज़्यादा भारी काम नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 साल से सर्दी का टाइम पे मेरा पेन होता था कभी कभार, एक आधा दिन, पर मैं इंजेक्शन वगैरह ले लेता था फिर ठीक होता था। अभी जब मैं घर जा रहा था तो ट्रेन में ये निकला और तब से मैं 15 दिन बेड पे ही रहा, अच्छा उठ ही नहीं पाया। और ये देखो इससे मतलब लेटे लेटे ही खाना खाना सब कुछ लेटे लेटे। इतना दर्द था? हाँ जी। तो फिर आपने क्या किया, मतलब? मैं वहाँ से फिर कटक गया था अपना, वहाँ पे SCB मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से MRI कराया तो उन्होंने 1 महीने का दवाई दिया था। फिर 1 महीना तक दवाई वहाँ पे खाया, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ तो फिर मैं यहाँ पे आया। तो मैं आपका वीडियो भी यूट्यूब में देखा था, तो मैं सोचा मैं भी वहीं रहता हूँ तो फिर वहीं पे जाके वहाँ पे इलाज कराऊँगा। हाँ, पहले आए थे एक दिन ना, हाँ जी, फिर आप चले गए थे उस दिन तो। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर तो आप आया था देखने के लिए यहाँ पे। तो उस टाइम जब आप आए थे तो कितनी पेन थी आपको? पेन तो मैं चल नहीं पा रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा चलता था, जैसे कि 2-4 कदम चलूँगा फिर बैठ जाऊँगा। तो आपको जब ट्रीटमेंट लेने लगे तो यहाँ से कितनी दिन में फर्क दिखाई देने लग गया था? अभी मेरा आज 8 दिन है, आज को 8 दिन में मेरे को तो अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। चल पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बिल्कुल वही है। सोच रहा हूँ कि आगे को कि फिर से होगा कि नहीं होगा, ये है। देखो, अभी जो ठीक किया है आपको, कोई दवाई वगैरह तो कुछ दिया नहीं है हमने, नहीं, है ना? कोई दवाई नहीं। जो हुआ है नेचुरली ही ठीक हुआ है। जो आपकी डिस्क बाहर निकली हुई थी उसी को सेट किया है, हाँ जी। वहाँ से जो नस पे प्रेशर आ रहा था वो हट गया हुआ है, तभी आप ठीक हुए हैं। ठीक है, तो अब जो आपको बताएंगे एक्सरसाइजेज वगैरह, वो आपने थोड़े रूटीन में रखनी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ठीक है, है एक बार मैम, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी फिर आपको वो वापस दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मेरे को, अभी बिल्कुल चल रहा हूँ, 100% ठीक लग हंड्रेड रहे हैं? परसेंट ठीक लग रहा है। अभी मैं पैदल भी आया 2-3 किलोमीटर चल के, कोई दिक्कत कोई नहीं। दर्द नहीं है? हाँ ठीक है, अब एक बार ठीक हो गया तो ठीक ही है ये, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि दोबारा होगा। लेकिन ये जो है ना पेन बहुत होता था, मतलब इतना पेन सहन नहीं होता है ये वो तो पेन। देखो, नस पे जब प्रेशर आएगा तो वो वहां से जो पेन जनरेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। वास्तव में बंदा उठ बैठ नहीं पाता मैं पड़ता होली का टाइम पे गया था होली मनाने घर, लेकिन होली नहीं मना पाया, ऐसे ही घर पे वैसे ही नीचे ही लेटा रहा, वैसे ही खाना खा रहा था तो ऐसे ही यहाँ पे इसको लगा लगा के देखो कैसे ब्लैक हो गया। कोई बात है। एक्चुअली क्या होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जैसे मेडिसिन से नहीं होता इसका इलाज। मेडिसिन आप खाते रहेंगे थोड़ा बहुत देर के लिए दब जाएगी, लेकिन फिर वही दिक्कत आएगी। जैसे आप 3-4 साल से दबा ही रहे थे उसको इंजेक्शंस लेके हाँ ना, जी, हाँ जी, तो ऑन एंड ऑफ चली हुई थी। एक टाइम पे बॉडी रिपेयर ही नहीं कर पाती उस चीज़ को। वो तो मुझे लग रहा था कि सर्दी में ये थोड़ा बहुत काम का वजह से इधर उधर ज़्यादा ये लोड हुआ होगा तो भी पेन होता है सर्दियों में, और सब लोग बोलते थे कि हाँ सर्दी में थोड़ा बहुत होता है पेन, ऐसे कुछ मेरे को नहीं चलो लग रहा कोई था। नहीं, ठीक है, अब आप काफ़ी ठीक हैं हाँ जी तो मैम, अपना थोड़ा घर पे एक्सरसाइजेज वगैरह करिए और अपनी जॉब कीजिए। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। नमस्ते।